हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम्स रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियोज अपलोड करता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है, यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है और उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है। आंसर है ऑप्शन ए, यानी केंद्र सरकार की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे। तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे। आंसर है ऑप्शन सी, यानी अकबर के दरबार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है। विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है। तो आंसर है ऑप्शन सी, यानी लाइकोप्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहों के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यानी जो खजुराहों का मंदिर है और उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आंसर है ऑप्शन सी, यानी चंदेल शासकों के द्वारा जो है खजुराहों के मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मोस्ट VVI प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आंसर है ऑप्शन डी, यानी 1964 में। ध्यान दीजिएगा, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है। तो आंसर है ऑप्शन बी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। तो आंसर है ऑप्शन ए, यानी जैनुल आबदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। तो आंसर है ऑप्शन बी, यानी सितार से। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे। अबुल फजल किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे। तो आंसर है ऑप्शन सी, यानी अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंसीर घाटी किस देश में स्थित है, यानी जो पंसीर घाटी है वो किस देश में स्थित है। तो आंसर है ऑप्शन डी, यानी अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के अवशेषों का आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। जीवों के अवशेषों का जो आयु का निर्धारण किया जाता है तो किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो आंसर है ऑप्शन ए, यानी कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जो है किया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल बंदरगाह का संबंध किस सभ्यता से है, यानी जो लोथल बंदरगाह है उसका संबंध किस सभ्यता से है। तो आंसर है ऑप्शन बी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर स्थित है। मोस्ट VVI प्रश्न है। तो आंसर है ऑप्शन बी, यानी कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आंसर है ऑप्शन सी, यानी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई, यानी जो भारत में डाक सेवा की शुरुआत हुई थी तो किस वर्ष हुई थी। तो आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1960 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 1960 ईस्वी में जो है भारत में डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आंसर है ऑप्शन सी, यानी 47 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर झंडा यानी तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी। मोस्ट VVI प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर झंडा यानी तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी। तो आंसर है ऑप्शन ए, यानी प्रतिसेन गुप्ता। ध्यान दीजिएगा, प्रतिसेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं। मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, यानी गजानंद माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूत विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आंसर है ऑप्शन डी, यानी 1988 में। ध्यान दीजिएगा, 1988 में जो है सेबी की स्थापना हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है। लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है। तो आंसर है ऑप्शन बी, यानी गोपाल हरि देशमुख को। ध्यान दीजिएगा, गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, यानी जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं तो कहाँ पर स्थित है। तो आंसर है ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडवाना झील कहाँ पर स्थित है। डिडवाना झील कहाँ पर स्थित है।
तो आंसर है ऑप्शन डी यानी राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है,